स्वागत है आपका। आज आपने लक्ष्मी राइस मिल का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहिए? ये पहले हम लोग आरवा राइस मिल चल रहा था, फिर WHO की रिपोर्ट और जैसे केंद्र का योजना, इस हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी घोषणा हुआ कि नहीं उतना चावल ही हम लेंगे, इससे लोगों का स्वास्थ्य के लिए भी वो बढ़िया चावल माना जाएगा और दूसरा की काला बाजारी को रोका जाएगा। अरवा जैसे वितरण के बाद भी लोग उसको बेच देते हैं बाजार में, जो काला बाजारी का एक माध्यम बन जाता है। तो ऐसे स्थिति में जब उतना चावल आएगा, लोग उसका उपयोग अधिक से अधिक कर सकेंगे, तो फिर उसका काला बाजारी को रोक लेगा और अधिक से अधिक किसानों का भी मुनाफा होगा कि उसका 100% जो उसका फसल है, उपज है, वो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिक सकेगा। इसी को लेकर हम लोग ने उतना राइस मिल 6 टन का लगाया है। क्षमता है आपकी, महीने का कितना टन आप निकाल सकते हैं? प्रति घंटा 6 टन क्षमता है, प्रति घंटा 6 टन 6 टन। तो आपके यहाँ जो ये धान जो आता है वो कहाँ से आता है? ये हम लोग को अपना एडवांस धान 10 लोट 20 लोट का खरीद के रखना पड़ता है, क्योंकि सरकार एडवांस चावल लेती है। हम एडवांस चावल लेते हैं, उसके बाद में टैक्स से हमको धान उपलब्ध कराया जाता है, जिस टैक्स से टैग होता है, वो टैक्स किसानों से धान खरीद करती है और वो फिर चावल के अनुपात में हमको धान उपलब्ध कराती है। और वह हमको 67% देना था, अब उसमें उसको 68% हमको देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ये जो मिल लगी है, ये इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? एक मिल से हमको लगता है यहाँ सैकड़ों व्यवसायियों को फायदा है, यहाँ 100 मजदूर खटते हैं। अगर चौक से अगर वो साबुन खरीदेंगे तो कम से कम महीना में 300 साबुन खरीदे, साबुन का बिक्री चला। शाम में अगर समोसा खरीदने के लिए खरीदे तो 200-250 की समोसा खरीदेंगे, फिर समोसा दुकानदार का चला। अगर कपड़ा फटा तो कपड़ा दुकानदार का चला। तो 50 ट्रक चलती है यहाँ, ट्रक के लिए डीजल घटा तो डीजल दुकान का चला। ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार का बिजनेस एक इंडस्ट्री लगने से संचालित और उसको बढ़ावा मिलता है। यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन लोगों को क्या आपके यहाँ से कुछ रोजगार मिलेगा? बिल्कुल। लगभग कितने लोगों को मिल सकता है? सैकड़ों लोगों को रोजगार यहाँ आसानी से उपलब्ध हो सकता है और हो भी रहा है। जो लोग उस लायक है, यहाँ के जितना जानकार लोग उस हिसाब से उनको काम मिल रहा है। और टेक्निकल टीम हमको कभी कभी बाहर से, बेंगलोर से, हरियाणा से, पंजाब से भी बुलाना पड़ रहा है। अभी लगभग यहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं? अभी 40 मजदूर है और प्लांट का जो इंजीनियर और जो उसका ऑपरेटर, ये सब मिला के 15 है। कुल अभी 60 से 65 लोग काम कर रहे हैं। फिर और जैसे ही इसका प्रोडक्शन पूरे फुल रनिंग पे आ जाएगा, कल से हमने तो इसका ट्रायल करके चालू ही किया है, कल परसों से फुल रनिंग में आ जाएगा, तब जाके 100 लोगों का इसमें आवश्यकता पड़ेगी। आज इस राइस मिल के चालू होने पे आप क्या कहना? नहीं, इस राइस लक्ष्मी राइस मिल चालू होने से हम लोग खास करके हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये पहला राइस मिल है, सीतामढ़ी जिला में उसना जो राइस मिल का जो आज उद्घाटन हुआ है, हमको पता 4 राइस मिल है पूरे जिला में, सीतामढ़ी जिला में। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में यह उसना राइस मिल खोला गया है, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और सरकार की भी नीति है, जो सरकार चाहती है कि 80% अब उसना चावल सप्लाई किया जाएगा, चाहे जनवितरण प्रणाली के विक्रेता के यहाँ हो तो उसमें उसना चावल सप्लाई होता है, इसलिए खुशी की बात है। और हमारे अगल बगल में खास करके ये देहात में खुला है, इसलिए अगल बगल के किसानों को पैक्स से जुड़े रहेंगे, उन लोगों को ज़्यादा खुशी की बात है। उनको नज़दीक में हमारा मिल मिलेगा, सप्लाई करने में भी दूरी कम लगेगा, इसलिए बगल अगल के लोगों के लिए खुशी की बात है। अपने ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में ये शायद सिंगल राइस मिल है। हाँ, सिंगल राइस। क्या भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग के प्रयास से और भी इस तरीके के? नहीं, तो उद्योग लगाने वाले लोग और जिनके पास पूंजी रहेगा लगाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ लक्ष्मी राइस मिल जो उसना चावल के लिए खुला गया है। स्वागत है, धन्यवाद। आज आप यहाँ राइस मिल के उद्घाटन के मौके पे आए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सीतामढ़ी की धरती के लिए, विधायक जी के वाचपटी के साथ साथ पूरे सीतामढ़ी जिला के लिए सौभाग्य की बात है। और जैसे संजय भाई अभी कह रहे थे कि उनका वो पूरे बिहार के राइस मिलर के सचिव हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि उत्तर बिहार में सीतामढ़ी जिस तरह से मोतिहारी है, सीतामढ़ी है, इन एरिया में और मिलों की आवश्यकता है, जिससे खपत है यहाँ चावल के हिसाब से। और इसके साथ साथ और भी उद्योग आए तो उद्योग आने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों को भी फायदा होगा और खुशहाल होगा हमारा जिला बिहार के साथ साथ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लक्ष्मी राइस मिल के उद्घाटन पे आए हैं, क्या कहना? सबसे पहले सीतामढ़ी की जनता को नव वर्ष की शुभकामना, चूँकि हमें लगता है कि सीतामढ़ी जो धरती है उस धरती को प्रणाम करते हुए अपने लोगों को इसलिए प्रणाम करना चाहते हैं कि इन लोगों का जो प्यार संबंध पारिवारिक रहा
वो कहीं ना कहीं खींच के लाया, आज उद्योग के माध्यम से ही खींच के लाया। तो लक्ष्मी राइस मिल हमारी शुभकामना है कि भविष्य में लक्ष्मी राइस मिल अपना प्रोडक्शन बिहार के उस पॉपुलरिटी को आगे बढ़ाने का काम करे। दोनों भाई संजय जी वगैरह हैं तो मेरा कहना है कि बिहार पसंद उसना चावल और बिहारी पसंद अरवा चावल के नाम से इनका ब्रांड पूरे देश में चले, ये हमारी शुभकामना है, ताकि हमारे बिहारी की स्मृति को स्थापित किया जा सके, यही हमारा है। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पुपली बाजार, प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।